हेलो फ्रेंड्स आई होप आर हैविंग अ नाइस डे लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज न्यूज एडिशन इस एडिशन के मेजर न्यूज इवेंट्स को डिस्कस करने से पहले जल्दी से उन न्यूज इवेंट्स को ब्रीफली मेंशन करते हैं जो कि डिटेल में डिस्कशन डिजर्व नहीं करते पर आपको पता होने चाहिए विंबलडन मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविक और कार्लोस एल्कर के बीच हुआ फाइनल मैच पांच सेट तक चलता है और एलकरास जीत जाते हैं यह एलकरास का पहला विंबलडन टाइटल है 14 जुलाई को चंद्रयान थ्री के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इसरो अपना नेक्स्ट मिशन पीएसएलवी सी फिफ्टी सिक्स जुलाई को लॉन्च करेगा इस मिशन में सात पेलोड्स होंगे जिसमें से कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिंगापुर की होगी पी और जीएसएल में क्या डिफरेंस होता है यह आप पढ़ लें यमुना का लेवल बढ़ने से दिल्ली में काफ़ी जगह पर फ्लडिंग हो गई है इस क्राइसिस का ब्लेम दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट पे डाल रही है ये बोलकर कि हरियाणा की गवर्नमेंट ने विलफुली हथनी कुंड बराज से वाटर रिलीज किया है जिसकी वजह से डेली में फ्लडिंग हो गई है इस ब्लेम को हरियाणा की गवर्नमेंट ने डिनाई किया है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन में मैंशनड है क्या ये आपको पता है इंडिया और मंगोलिया 17 से 31 जुलाई तक अपनी बाइलेट्रल मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट में पार्टिसिपेट करेंगे इस साल ये मिलिट्री एक्सरसाइज मंगोलिया में होगी आप इस एक्सरसाइज और बाकी और मेजर इंडिया की बाइलेट्रल एक्सरसाइजेज के बारे में पढ़ लें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन ने बोला है कि उनकी कंट्री के पास सफिशियंट क्वांटिटी में क्लस्टर बॉम्ब्स हैं और अगर यूक्रेन जिनको अभी रिसेंटली यूएस ने ये बॉम्ब सप्लाई किए हैं अगर यूक्रेन ये बॉम्ब्स रशिया के खिलाफ यूज करता है तो रशिया भी इन बॉम्ब्स को यूज करेगा क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज काफी कंट्रोवर्शियल है और यूज को प्रोहिबिट करने के लिए एक कन्वेंशन भी है आप इसके बारे में पढ़ लें सुदान जो इस समय क्राइसिस में है अपनी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच चल रहे क्लैश की वजह से वहां पर सिचुएशन और बुरी हो गई है हम इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं ऐसे टॉपिक की नॉलेज को यूपीएससी में फ्रीक्वेंटली टेस्ट किया जाता है आप सुदान और ग्लोबली सारी डिस्टर्ब लोकेशंस के बारे में पढ़ लें क्रिस्टोफर नोलन की 21 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म ओपन हाइबर के न्यूयॉर्क में होने वाले प्रीमियर को कैंसिल कर दिया गया है इसका रीजन है हॉलीवुड में चल रही स्ट्राइक मूवी अटोमिक बॉम्ब्स के इन्वेंशन पर एक बायोपिक है इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अटोमिक फ्यूजन को अटोमिक फ्यूजन से सुपीरियर क्यों समझा जाता है 2022 में हुई ब्लैक सी ग्रेन डील जो यूक्रेन में प्रोड्यूस ग्रेन्स को ब्लैक सी के थ्रू एक्सपोर्ट करने की परमिशन देता है ये ग्रेन डील आज एक्सपायर होने वाली है और इस डील की एक्सटेंशन पर अभी तक रशिया ने एग्री नहीं किया है आप इस ब्लैक सी ग्रेन डील और ब्लैक सी और उससे सराउंडेड वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ लें लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज फर्स्ट न्यूज जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की यूएई विजिट से रिलेटेड है अगर आप इस न्यूज एडिशन को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी दो दिन की फ्रांस की ट्रिप के बाद अपने विजिट के सेकेंड लेग में यू को विजिट किया है तो इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर के यू ट्रिप के आउटकम्स को ब्रीफली कवर करते हैं इंडिया की सेंट्रल बैंक आर और सेंट्रल बैंक ऑफ यू ए ने दो मेजर एग्रीमेंट्स को साइन किया है ये एग्रीमेंट्स हैं फर्स्ट इंडिया और यूएई ने एक लोकल करेंसी सेटलमेंट एल सिस्टम साइन किया है अपने बायोलेट्रल ट्रेड में इंडियन रुपी और दिरहम को यूज करने के लिए बाइलेट्रल ट्रेड जैसे कि इंडिया अगर यूएई से ऑयल खरीदता है तो वो अब इस मकैनिज्म के थ्रू पेमेंट दिरहम से कर सकता है और दूसरा एग्रीमेंट है इंडिया की के यू और यू के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आई को लिंक करने का और इंडिया के रुपए और यूएई के स्विच को लिंक करने का एक मेजर आउटकम एजुकेशन सेक्टर से भी है इंडिया अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस एस्टैब्लिश करेगा यह आईआईटी का दूसरा कैंपस होगा जो इंडिया से बाहर एस्टैब्लिश है ऐसा एक कैंपस ऑलरेडी तंजानिया में है प्राइम मिनिस्टर के यूएई ट्रिप के यही टेंजिबल आउटकम्स थे यूपीएससी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या इंडिया और यू किसी स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट हैं? इंडिया यू के साथ ट्रेड सरप्लस में है या ट्रेड डेफिसिट में है इंडिया जो सितंबर में जी ट्वेंटी होस्ट करेगा उसने कुछ नॉन जी ट्वेंटी मेम्बर कंट्रीज़ को स्पेशली इनवाइट किया है क्या यू उन इनवाइटेड कंट्रीज़ में इंक्लूडेड है इस लिस्ट में और कौन कौन सी कंट्रीज हैं इंडिया और यूएई एक मेजर मल्टीलेटरल ग्रुपिंग का पार्ट है इस ग्रुपिंग में इसराइल और यूएसए भी हैं। यह कौन सी ग्रुपिंग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहां पर लोकेटेड है लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज ये न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक जुडिशियरी से अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम सिस्टम की बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा कि कोलेजियम सिस्टम में लिए गए अपॉइंटमेंट डिसीजन से जुड़ी रीजनिंग को सुप्रीम कोर्ट कभी डिटेल में पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करता और ये ओपेकनेस ही एक मेजर क्रिटिसिज्म है कोलिजियम सिस्टम की इस ही कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज है इंडिया के करंट चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूद ने अपने टेन्योर में धीरे धीरे काफी सारे पॉलिसी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं कोलिजियम को रिफॉर्म करने के लिए ये पॉलिसी चेंजेस हैं कोलिजियम ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया है और सेकंड और अब जजेस को अपॉइंट करने से पहले उनकी पास्ट जजमेंट को स्टडी किया जाता है और उनकी डिसीजन क्वालिटी को एनालाइज किया जाता है इस एनालिसिस करने के लिए स्पेशल बॉडीज भी अपॉइंटेड हैं कोलिजियम एक कॉन्ट्रोवर्शियल बॉडी है और डेमोक्रेसी जहां पर इंस्टीट्यूशंस अपनी अथॉरिटी डिराइव करते हैं पावर ऑफ पीपल से ऐसे सिस्टम में पीपल हैव द राइट टू एवरी इंफॉर्मेशन और ओपेकनेस ऐसे सिस्टम में सूटेड नहीं है इस ही कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कोलिजियम सिस्टम का क्रिटिसिज्म बिल्कुल रीजनेबल है इन इंट्रोड्यूस किए गए रिफॉर्म से कुछ मीनिंगफुल ट्रांसपेरेंसी अचीव होती है या नहीं ये टाइम के साथ पता चलेगा यूपीएससी प्रिलिमिनरी में जुडिशियरी से रिलेटेड नॉलेज फ्रीक्वेंटली चेक की जाती है इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए जैसे कि कोलिजियम सिस्टम की, की जुडिशियल हिस्ट्री क्या है सेकेंड जजेस केसेस ऑफ 1993 की क्या सिग्निफिकेंस है नाइन्टी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे कोलिजियम की क्या कॉम्पोजिशन होती है जुडिशियल ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होता है ये क्वेश्चन जुडिशियल हिस्ट्री से है 1833 में एक लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज 11 जुलाई को हुई जीएसटी काउंसिल की फिफ्टी मीटिंग में कुछ मेजर डिसीजन लिए गए इन डिसीजंस में जो सबसे मेजर और कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन था वो ये था कि सभी तरह के ऑनलाइन गेम्स चाहे वो गेम ऑफ चांस हो या फिर चाहे गेम ऑफ लक हो उन सब पर फ्लैट 28 परसेंट रेट पर जीएसटी लगा दिया गया है इस 50वीं जीएसटी काउंसिल के रेट बढ़ाने के डिसीजन से पहले तक यह रेट 18 परसेंट था तो अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन लूडो खेलता है और उसमें सौ रुपए लगाता है तो अब सीधा सीधा इस सौ रुपए में अट्ठाइस परसेंट के रेट से अट्ठाईस जीएसटी में काट लिए जाएंगे और इफेक्टिवली सिर्फ बहत्तर रुपये बचेंगे इस बहत्तर रुपये में अब लूडो गेम चलाने वाली कंपनी अपने एक्सपेंसिस चार्जेस भी डिड्यूस करेगी जिसको हम मान लेते हैं दस रुपये तो इस डिडक्शन के बाद अब सिर्फ बासठ रुपये बचेंगे प्राइस पूल में ऐड करने के लिए इस टैक्स रेट बढ़ाए जाने के डिसीजन से इंडिया की राइजिंग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री काफी चिंता में है उनका मानना है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर टैक्स टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो ऐसी सिचुएशन आइडियल नहीं है और ऐसे केस में ब्लैक मार्केट ऑपरेशंस बढ़ सकते हैं और गेमिंग इंडस्ट्री जो काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है उसकी ग्रोथ स्लो हो सकती है जाहिर सी बात है कि अगर कोई रिस्क लगाकर गेम खेले और जीतने के बाद उसे काफ़ी कम पैसे मिले तो उसका रिस्क जस्टिफाई नहीं हो पाएगा और शायद काफ़ी लोग ऑनलाइन गेम्स में पार्टिसिपेट ही ना करें यूपीएससी से रिलेटेड परस्पेक्टिव से देखा जाए तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा ऑनलाइन गेम्स और उससे रिलेटेड मैटर्स कौन सी मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है अप्रैल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने आईटी रूल्स 2021 में अमेंडमेंट के लिए एक ड्राफ्ट रिलीज किया था उसकी मेजर प्रोविजंस क्या हैं बेटिंग और गैम्बलिंग का रेगुलेशन सेवेंथ स्केड्यूल के हिसाब से एक स्टेट सब्जेक्ट है यूनियन सब्जेक्ट है यह न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से अभी इसी हफ्ते 11 जुलाई को लिथुएनिया में नेटो का समिट था उसका एक मेजर आउटकम यह था कि स्वीडन को नेटो की फुल मेंबरशिप दे दी जा चुकी है इस टॉपिक को पहले कवर किया जा चुका है आप चाहे तो वो वीडियो देख लें स्वीडन की मेंबरशिप हालांकि एक काफी मेजर आउटकम है एक मेजर पोटेंशियल आउटकम जो हो सकता था पर नहीं हुआ वो था यूक्रेन की नेटो में मेंबरशिप। लगभग पंद्रह साल पहले रोमेनिया में हुई नेटो समिट में यूक्रेन और जॉर्जिया को मेंबरशिप दिए जाने का प्रॉमिस किया गया था ये दोनों कंट्रीज ब्लैक सी बेसिन और रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं रशिया के साथ शेयर्ड बॉर्डर और रशिया का अग्रेसिव स्टांस इन दोनों कंट्रीज के नेटो को ज्वाइन करने के अगेंस्ट ही मेजर रीजन था कि इन दोनों कंट्रीज को पंद्रह साल से आज तक मेंबरशिप नहीं मिली है पिछले साल शुरू हुई रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हालांकि नेटो मेंबर कंट्रीज का स्टांस काफी चेंज हो गया है अब वो चाहती है कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल जाए पर सभी नेटो मेंबर कंट्रीज के चाहने के बाद भी नेटो की इस समिट में यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं दी गई इसका रीजन ये है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो नेटो के आर्टिकल फाइव कलेक्टिव सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग यूक्रेन की वॉर नेटो के सभी मेंबर्स की वॉर बन जाएगी और इस वॉर में सबको डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इस केस में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है और न्यूक्लियर फोर्स भी यूज की जा सकती है ये रिस्क काफी कंट्रीज और स्पेशली यूएस नहीं ले सकती यूपीएससी प्रिलिमिनरी में ऐसे टॉपिक्स पर फ्रीक्वेंटली नॉलेज टेस्ट की जाती है जैसे इस ही साल ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज नेटो की मेंबर नहीं है ओडेसा पोर्ट कहां पर लोकेटेड है कर्च स्ट्रेट ब्रिज कहां पर लोकेटेड है और ये किन दो बॉडीज को कनेक्ट करता है नाइपर रिवर कौन कौन सी कंट्रीज से फ्लो करती है आज की एडिशन में इतना ही सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन